गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। आज हमारे रामलला अयोध्या नगरी पधारेंगे। आज है दिवाली और इतनी मतलब हमारी व्लॉग स्टार्ट होते ही ना मैं कुछ ऐसी इच्छा बताने चाहती हूँ आप लोगों को ना, मतलब कब से ऐसी इच्छा है कि अयोध्या में जो दीपोत्सव होता है ना, दीप जलाते हैं, वो उस दीपोत्सव में जाना है। लेकिन लक्ष्मी पूजन वाले दिन अपने घर को सोना छोड़ के हम वहाँ भी नहीं जा सकते ना, तो मतलब आई डोंट नो कैसे क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। कुछ खा रहा है तू? इधर आ मम्मा। देखना ये बच्चा ऐसे करने लग जाता है कि भाई हाँ डांट पड़ेगी। अब देखना इसको, देखना मारूं? दो इधर दो। क्या है हाथ में? दो इधर दो। मम्मा को दे दो, अच्छे से दे दो। बस गुड बॉय। छोड़ दो। वो मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, देखते हैं। मतलब जैसे अब ऐसा होता है कि अयोध्या में मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, कॉलेज फ्रेंड, तो उससे पूछूंगी कि कितने दिन का होता है। जैसे अगर, क्योंकि मैंने देखा धनतेरस पे था, फिर कल भी था और आज भी है, मेन जो है वो आज होगा, बट फिर भी अगर जैसे धनतेरस या कल जो चौदस निकली है उस दिन अगर जा सकते हैं तो हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट दिवाली पक्का प्लान करूंगी। इस बार तो मैं मिस कर गई और इस बार जाके कोई फ़ायदा भी नहीं था मेरे को, तो नेक्स्ट दिवाली मैं पक्का कुछ ऐसा प्लान करूंगी कि चाहे एक दिन तो मैं जाके वहाँ आराम से। पर ऐसा होता है ना कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि वहाँ जाके बैठो आप सरयू नदी के किनारे, वहाँ जाके सारी चीज़ें देखो, उस मिट्टी में ही कितना कुछ होगा ना कि वहाँ पे आप पैर रखोगे। मेरी बहुत इच्छा है, बहुत, मतलब लिटरली जाना है मैंने। अब जब उद्घाटन होगा मंदिर का, राम मंदिर का, तो हम प्लान कर रहे हैं। बट मेरी फ्रेंड बोली कि बहुत भीड़ है यहाँ पे, होटल सारे बुक हो गए, लेकिन तुम हमारे यहाँ स्टे करना। तो देखते हैं फिर क्या प्लान होता है, कैसे होता है, बट जाना है, ये वाली इच्छा है। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे, साथ में हमारे लिए भी प्रे करना, सेम चीज़ है। तो अभी जो है सुबह सुबह मैं बस नहा के, मैंने सूट पहन लिया था, अभी जस्ट ये साड़ी डाली है। ऐसे ही दिन में कुछ भी, मतलब ऐसा होता ना, थोड़ी फेस्टिवल फील आ जाएगी, शाम को डालूंगी जो भी मैंने सोचा है वो। अभी के लिए जो है मनीष, सुबह सुबह जो है वॉशिंग मशीन से ना हमारी इतना कचरा भर गया है, सर्विसिंग वाला भी मिला नहीं, तो इन्होंने कहा नेट पे देखी कि मैं खोल लूँगा, और लिटरली इतना कचरा निकला, हद वाला ना। तो इस वजह से ब्लॉक के जोड़ क्या करने लग रहे हो, देखना इस लड़की, छोड़ो, फिर पिटाई करेगी मम्मा, फिर बैठे रहना, चलो। नहीं, कम टू मम्मा, नई स्वेट शर्ट पहनी है चीकू ने, किट्टी वाली, और चीकू की फ्रॉक ये रही जो हम शाम को पहनने वाले। नहीं चीका, इधर आओ, पहले नोजी साफ करो, इसको कोल्ड हो गया यार, भयंकर वाला। तो से हाय। किट्टी पहनी है, क्या पहना है आपने? पूरी दीवारें तो ऐसी गंदी कर रखी है। चीकू वीडियोग्राफी करोगे क्या? हाय रोशा, बच्चे रंगोली बना रहे हैं आज बैठ के। अरे वाह, दोनों बच्चे लगे हुए हैं देखो, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मतलब पास में ही, क्योंकि थोड़ी बहुत जो फ्रेश वाली चीज है ना। बिग्गी हाय कर दो आपको, नजी तो नहीं आ रही ना, हाई। तो अभी हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें लेने जा रहे हैं, जो भी है, लंच बन गया और अब बस कोई काम नहीं है, यही सब है घर में। आके देखती हूँ रंगोली वंगोली बनाऊंगी, तो एक तो इसके चलते ऐसा होता है, इसको तो इन सब चीज़ों का एक्साइटमेंट होता है। वो बच्चे बना रहे थे ऊपर, वो हमारी साइड नेबर की बेटी जो है वो बना रही थी, तो इसको वहीं जाना है, मैंने कहीं बिगाड़ के माने की, तो इसलिए फिर हम दोनों बच्चों ने ऊपर से लेके नीचे तक वो रंगोली बनाने बैठे। सबसे पहले हम नीचे आ गए हैं, शॉपिंग करते हैं। सुबह सुबह साड़ी मैंने इसीलिए पहन ली कि थोड़ी फेस्टिव वाइब्स आती है। इसको भी नया स्वेटशर्ट पहनाया, मनीष ने नहीं पहना कुछ भी अभी तक, वो अब शाम को ही पहनेंगे। तो शाम के हो गया 5:55 और ये हालत हो रही है पूरा उसकी, और मेरी सड़ी सी रंगोली दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मतलब इसकी वजह से, क्योंकि इसने पूरा वो कर दिया, इतनी सी बना पाई नहीं, तो बीच में था मेरे को कि ये बनाना है, और अब तो समझ में भी नहीं आ रहा। वैसे भी स्टेंसिल से बनाया था, लेकिन सब मिक्सअप हो गया, जा के छेड़ती है, जैसे खड़ी है ना वहाँ पे, ऐसे बड़ी मुश्किल से अभी बनाया। बाकी सारी प्रिपरेशंस करके रख दिए, ग्लास वो रहे, और वो जो नाश्ते की जो ट्रे और ये सब है, जूसेस वो रखे, खाने की भी सारी प्रिपरेशंस हो गई है, एवरीथिंग इज़ डन बाय हिम, और ये पूरा बिछा दिया है, बाकी जो भी होगा तब। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने।
हालत ऐसी हो रखी है क्योंकि ना सो लिए पूरा, मतलब उठ के और फिर ये सब काम वाम करना, पूरा भी झाड़ू निकाला एक बार फिर से उजाले में, कि क्योंकि खाने के टाइम पर नमकीन वमकीन ये सब फैला देती है। तो चलो बाद में बातें करेंगे, एक बार मैं रेडी हो जाती हूँ। सो यहाँ मनीष कर रहे हैं तैयारी पूरा, उधर जो वो सात दीपक लगते हैं घर के देवताओं के, वो सब लग गए हैं और यहीं पे सारी तैयारी चल रही है अभी। और चीकू ये हमारा फ़ोन लेके यहीं पे, इसको ना मैंने इसी के ऊपर जो ऊपर अपर पहनाया हुआ था ना आज सुबह स्वेटशर्ट, उसी के ऊपर फ्रॉक पहनाई क्योंकि इसको ऑलरेडी कोल्ड हो रखा था, तो मैंने कहा वैसे मैं छोड़ नहीं सकती इसको। सो या हियर इज मी। तो बस जैसे तैसे जो भी है, ये साड़ी आई डोंट नो आप लोगों को याद होगी कि नहीं होगी, ये 2-3 साल कोविड के ही ड्यूरेशन में शायद मंगवाई थी मैंने, तो और पहनी भी नहीं, शायद एक ही बार पहनी है वो भी जस्ट फोटोज और इनके लिए। तो या आज ये वाली पहनी है मैंने, आई डोंट नो मतलब क्लैरिटी कितनी है। और अभी बस पूजा का टाइम जो है 5:30 से 11:30 है, बट बीच में 7:30 to 8:30 का गैप है, तो यही हमें ओनली तो आधे घंटे का ही गैप है, तो 7 हो रहे हैं, 7:30 तक हमारी पूजा हो जाएगी, तब तक फिर हम जो है ना उसके बाद में जो भी करना है वो सब होगा। बाकी सारे हमारे लैपटॉप, वैसे 7:30 तक व्हीकल्स की और सबकी पूजा हो जाएगी, व्हीकल्स की बाद में कर लेंगे, मेन तो लक्ष्मी पूजा होती है ना। हाँ ठीक है। तो ये चीकू अपना एज यूजुअल लेके इसलिए शांति से तभी बैठता ही है। और कहते हैं कि आप लक्ष्मी, भले ही लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन होती है, बट बिना नारायण के लक्ष्मी जी की अकेले की पूजा करना अच्छा नहीं है। मतलब पूजा इन द सेंस आप सिर्फ उनका स्मरण करो, चाहे उनको वैसे ही बुलाओ कि आओ नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण, बट वो जरूरी है। श्याम चरण आवे सफल की जसेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हम लोग आ गए हैं गाड़ी की पूजा करने, तो बाइक पीछे खड़ी हुई, दोनों को साथ में लगा के फिर पूजा करते हैं। रोशनी पूरी नहीं आ रही है, बट रोड लाइट नहीं, लाइटों से ही बहुत चमक रहा है ऑलरेडी ना। बराते हूँ दूरी की नवाते हूँ, बस मुलाकाते हूँ सबको यही देते संदेशा, दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर खुली दीपावली आई रे, दीपावली गली गली। हमारे दिवाली के पहले गेस्ट आए नीचे वाले आंटीज है दोनों, अंकल कहाँ गए? हाँ, हम आए हैं नीचे आंटी जी के यहाँ। अंकल अंकल
अच्छा देखो चीको चीको, आप बस में जा रही हूँ चेंज करने, सब लोग आ गए, बिल्डिंग वालों ने जिन्होंने आना था सब लोग आके चले गए, हमें जहाँ जाना था सब जगह जाके आ गए। इतनी दौड़ भाग हो जाती है इस टाइम पे पूजा के बाद, तो पूछो मत। मुश्किल से कुछ पिक्स क्लिक हुई होगी, कोई रील शूट हुई होगी, मुश्किल से जो वीडियो शूट हुई है व्लॉग शूट हुआ है उसी में से कुछ निकालूंगी। बाकी अभी जो है हम जस्ट अभी डिनर करके निपटे हैं, बाहर भी एक आंटी बैठी हुई है, साइड में हमारे नेबर हैं, उनकी मदर इन लॉ हैं, तो वो मम्मी के साथ बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं सर। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, फाइनली दिवाली का फीवर अभी तो गया नहीं है, बाहर बहुत कुछ चल रहा है बट अब हमारा तो उतर गया, क्योंकि अब बैठ के सिंक के सारे बर्तन साफ करने हैं मेरे को, खाना वाना खाया, सबको नाश्ता वाश्ता दिया, वो सारे हो गए और सब कुछ हो गया, मतलब तो वही सब है कि वो सब साफ होना है। बाकी अभी थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ चेंज करके, और भी बातें करेंगे, देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट डे हो चुका है, कल रात को इतना थक गए थे इतनी भाग दौड़ के बाद ना, तो अब जाके मिल रही हूँ मैं आपसे। उस टाइम पे बोल था कि मैं चेंज करके मिलूँगी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बस की नहीं रही, अभी तक मेरा जो है पैर दर्द कर रहा है कल रात से ही ना, तो ये नेक्स्ट डे हो चुका है। अभी सारे कपड़े वगैरह धुल रहे हैं जो भी कल पहने थे वो, बाकी जो है बेडशीट भी चेंज करी है मैंने। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, सबकी दिवाली सेम नहीं होती यार, मतलब जब मार्केट जाती हूँ ना, जैसे बाहर जाते हैं हम लोग, लोगों को देखते हैं तो मेरे को बहुत इमोशनल हो जाता है लिटरली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसके लिए ये भी कर दूँ, इसके लिए ये भी कर दूँ, जो बन पड़ता है मेरे पास, चाहे 5 रुपए हैं तो एक 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 सब में बांट दो, जैसे भी हेल्प हो सकती है, नॉट ओनली पैसा बट जैसे भी हेल्प हो सकती है तो वैसे करना चाहिए। अगर आप लोगों के भी मतलब बस की है, आप कर सकते हो, भगवान ने आपको इतना दिया है, 10 दिया है और 5 अगर आप खर्च कर सकते हो तो कर दिया करो यार दूसरों पे। सबकी दिवाली बिल्कुल सेम नहीं होती। मेरी मेड है, मतलब मैंने आपको शायद व्लॉग में बताया था कि पिछले साल के भी कपड़े रखे थे जो देने थे और इस साल के भी कपड़े रखे थे, वो सब इकट्ठा करके 2 मेड आती है, मतलब वैसे वो साइड में आती है एक और, लेकिन वो ना कभी कभी इसकी जगह काम कर जाती थी। अब वो लोग हैं गुना बीना जो हमारी साइड है, मतलब एमपी की है वो, उसकी छोटी सी बेटी नित्या के बराबर या नित्या से थोड़ी सी छोटी है, वो भी आ जाती थी कभी कभी, जैसे ये कभी नहीं आती तो वो कर देती थी। मैंने उसको भी कुछ कपड़े दिए, इसको भी कुछ कपड़े दिए, तो मनीष के भी थे मेरे भी थे, मेरी भी जो साड़ियाँ मैं नहीं पहनती थी वो एक जो है वो एमपी वाली वो साड़ी ही पहनती, वो सूट नहीं पहनती, तो इसको मैंने सूट दे दिए, उसको साड़ियाँ दे दी, मनीष के कपड़े दोनों में आधे आधे बांट दिए, और मनीष के ना एकदम नई नई सी शर्टें, नई पैंट्स, जीन्सेस ऐसी हैं कि मतलब एकदम नया। अब वो दूसरे दिन आके कहती है मेरे को कि मैंने पूछा मैंने कहा भैया के कपड़े, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं कि मनीष के कपड़े किसी के आते हैं, पर कहते कि नहीं दीदी नहीं भाभी मेरे भाई ने तो जाते ही देख लिए, पूछा भी नहीं, मेरे को बोला भी नहीं और पहन के ऑफिस चला गया। और एक सूट था कि दुपट्टा सेट वाला सूट था मेरा, कि वो सूट था, मेरी सिस्टर तो कहती है कि मेरे यहाँ पे ना दिवाली फंक्शन है तो मैं उस दिवाली फंक्शन में वो पहन के जाऊँगी। अब मैं सोच के मनीष को कह रही हूँ, मैंने कहा बताओ किसी की दिवाली नए कपड़ों में होती है, किसी की दिवाली हमारे उतरे हुए कपड़ों में ही हो जाती है, कितना फ़र्क है यार। मतलब ये सब रियलाइजेशन जब होता है ना ज़िंदगी में तो आपके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। और मेरा ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वही फेस चल रहा है और इसीलिए मेरा जो है ना बहुत डाउनफॉल हो रहा है चीज़ों के साथ में ना, बहुत, मतलब कैसे बताऊँ, मैं नहीं करना चाहती यार, मैं नहीं देख सकती किसी को भी दुखी ना। और बाहर वालों की मतलब घर वालों की तो बात ही अलग है, बाहर वालों को भी नहीं देख सकती मैं तो यार, मतलब कोई भी हो। मैंने वो जो मेड कभी कभी आती थी, इतना मेरे को मतलब होता था कि वो रहते कहाँ हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना उनके सामने वो ये झोपड़ी वगैरह बना के ऐसे रहते हैं, तो फिर मैं उसकी बच्ची के लिए भी गिफ्ट लेके आई, उसके लिए भी लेके आई साड़ियाँ, जो दो एक बहुत अच्छी वर्क वाली साड़ी मैंने उसको दी थी। मतलब एक होता है जितना बस में है उतना कर दो दूसरों के लिए यार, आपकी क्या पता आपकी थोड़ी सी हेल्प से उसकी दिवाली बहुत अच्छी हो जाए, या उसका नॉट ओनली दिवाली उसका कुछ अच्छा टाइम आ जाए, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। मतलब मेरे को अब ये होता है कि मेरे एक्शन से, मेरे जरा से एक्शन से किसी का बुरा ना हो, ऐसे होता है कि ऐसा बनाओ खुद को, चाहे खुद मिट्टी में धस जाओ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम झुक जाएंगे नीचे हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं होगा, हम थोड़ा सा कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, कम से कम कोई और थोड़ा तो खाएगा पिएगा, तो वो चीज़
ऐसे होती है यार, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस देखे हैं कि नहीं होता, इंसान की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो चलिए इसी नोट पे हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। दिवाली व्लॉग था ये, आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी होगी और आगे भी कोशिश करना आप लोग भी कि आप किसी की, किसी एक की दिवाली आप अच्छी बना पाओ, थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट कर पाओ। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर मिली हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।